There are three types of ROM here: PROM, programmable read-only memory, and then EPROM, that is erasable programmable read-only memory, and the last one is EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. ये तीन टाइप्स हैं. इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पी रोम इज़ एक्चुअली वो आपके पास रोम है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं. एक दफ़ा जैसे प्रोग्राम कर लिया उसके बाद उसको रेज नहीं कर सकते, ठीक है. वो एज इट इज़ ही आपके पास यूज़ हो गया, उसको किसी भी किस्म की आप उसको रेज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके ऊपर स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू राइट डाउन कर सकते हैं. ई पी रोम आपके पास एक ऐसी रोम होती है जिसको आप रेज भी कर सकते हैं और उस पर फिर राइट डाउन कर सकते हैं. आप उस पर राइट डाउन करते हैं डाटा, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होगा वो राइट डाउन करेगा स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू, और उसको आप रेज भी कर सकते हैं. अल्ट्रा वॉलेट लाइट्स यूज़ की जाती हैं और उसको रेज करके उसको रीराइट किया जा सकता है, लेकिन ये काम आप बार बार नहीं कर सकते. ईईपी रोम आपके पास क्या होता है, इसको इलेक्ट्रिकली हम रेज करते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन करते हैं. इलेक्ट्रिकल पल्सेस यूज़ होती हैं और उसके थ्रू डेटा हम राइट डाउन करते हैं और उसको उसी से हम रेज भी कर सकते हैं. और ये आप रीड एंड राइट इसका जो है, इसका जो राइटिंग है वो मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास ई पी रोम की. एक टेबल आपके पास गिवन है रैम एंड रोम का, ये आपने ज़रूर देख लेना है और इसको रीड आउट कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.